हेलो गाइस, मैं खुशी और आज मैं लेकर आई हूँ अपनी करवा चौथ ब्लॉग, क्योंकि करवा चौथ के बाद हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, है ना। तो मैं वॉइस ओवर कैसे करती, तो ब्लॉग लाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। वैसे भी हमारी ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है, और होता क्या है, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह है उसके बाद तबीयत ख़राब होना ज़रूरी होता है ना मेरा। तो अभी वॉइस बिल्कुल ख़राब हो चुका था बिल्कुल, तो जब तक रिकॉर्ड ना करूँ कैसे डालूँ मैं व्लॉग, है ना। और यहाँ पे देखो, करवा चौथ के दिन मैं रेडी हो रही थी, है ना, और मेरा भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे देखो, साड़ी ना इस बार थोड़ा अलग तरीके से पहने थे मैं, क्योंकि एक ही तरह से पहन कर मैं भी थक गई थी। ऐसा जी, चलो कुछ नया लुक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं इस तरह से साड़ी पहने थी और रेड कलर की हमारी साड़ी थी, तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और मेरा भाई वीडियो बीच बीच में रिकॉर्ड कर दे रहा था। और यहाँ पे हम दोनों ने एक दो रील भी बनाया था, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुकी हूँ। और रेडी होने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे चांद निकलने का, है ना, क्योंकि इस बार हमें पूजा नहीं करनी थी। तो जब तक होली ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक तो हमारे घर कोई पूजा होगा नहीं, है ना, लेकिन हल्का फुल्का पूजा कर सकते हैं ना, जैसे वो मेन पूजा वो नहीं किया जाता। और यहाँ पे सभी रेडी हो चुके थे और मैं भी रेडी हो चुकी थी, और मैं पूजा किस तरह से की थी करवा चौथ में, है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, है ना, क्योंकि मेरी वॉइस अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पता है, कोई भी फेस्टिवल आता है उस टाइम तो मैं अच्छी रहती हूँ, लेकिन उसके बाद में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर गला फंस जाता है, जैसे मेरी अभी आवाज़ आ रही है उस टाइप का हो जाता है। और वैसे भी अभी ठंडी आने वाली है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहेगी, पता नहीं क्यों लेकिन रहती है ना। तो और अभी तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर पा रही हूँ ना, पहले तो मैं रिकॉर्ड करने की हालत में भी नहीं थी, है ना। तो आज मैं इतना लेट अपनी करवा चौथ ब्लॉग ला रही हूँ, मुझे पता है सभी गुस्सा होंगे कि भाई करवा चौथ तो कब का ख़त्म हो गया और ब्लॉग ये अब ला रही है। तो भाई आप लोग थोड़ा समझो, है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है तो क्या करूँ मैं, है ना, थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। तबीयत ना भी ख़राब रहे ना, फिर भी कोई ना कोई वजह से मेरी ब्लॉग लेट हो ही जाती है। तो इस बार करवा चौथ पे मैं पूजा तो नहीं की थी, लेकिन भगवान जी का ना जो भोग होता है, मतलब मिठाई मिश्री जो भी होता है वो मैं भगवान जी के सामने रखती थी, और जल मतलब पानी रख देती थी, है ना, जैसे मतलब भगवान जी की पूजा करो या ना करो मैं खाना ज़रूर देती हूँ, है ना। तो उनका भोग बस लगाई थी और यहाँ पे थाली में तैयार कर ली थी जो ऊपर चांद पूजा के लिए होता है ना, तो बस ये था। मैं चांद पूजा भी नहीं की थी, बस पति पूजा की थी और भगवान जी को बस भोग लगाई थी। और अगरबत्ती धूप ये सब होता है ना, ये सब मैं नहीं की थी, बस एक दीप जला दी थी और मिठाई दे दी थी और जल दे दी थी, बस इतना ही काम मैं की थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी थी, पूजा होने के बाद ना हम लोग वेट कर रहे थे चांद का। अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो यहाँ पे देखो मेरा भाई कैसे पीछे से कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। और मैं जब भी ब्लॉग मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, ये आके ऐसे ही कर दे रहा था हर ब्लॉग में ना। तो अभी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गई, अच्छे से तो नहीं मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी हुई थी। यहाँ पर मैं रेडी शेडी होकर चांद का इंतजार कर रही थी और सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे थे ना, सब रेडी हैं। और बच्चे तो रेडी नहीं हुए थे, है ना, क्योंकि नाइट हो गई थी, उनके पापा उन्हें छोड़ रेडी हुई थी और बाकी जो जैसे थे वैसे ही थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चांद पूजा हुई थी। अभी मैं आपको ना आगे दिखाऊंगी अपनी ब्लॉग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, आप लोग देखना ब्लॉग में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बिल्कुल दिवाली जैसा करवा चौथ मनाते हैं यहाँ लोग, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ का करवा चौथ। और यहाँ पे मैं कुछ पिक डाल दी हूँ जो कि मैंने करवा चौथ पे खिंचवाई थी, तो मैं सोच चलो अपने ब्लॉग में भी डाल देती हूँ ना, पिक भी रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे मस्ती के साथ पिक भी खिंचवा रहे थे हम लोग भाई से, और हम भाई वो रहा था मैं कैमरामैन बन गया हूँ आज, तो बहुत ही ज़्यादा फन हो रहा था उस टाइम। ओरिजिनल वॉइस तो मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ना वहाँ पर सब बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, तो जो कि आप लोगों को समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी। और पिक के समय तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, जब भी पिक क्लिक कर रहा था ना भाई लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखो हम लोग छत पे आ चुके हैं और बिल्कुल दिवाली जैसा सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ यहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो रही है, बहुत ही मतलब
बहुत मजा आया था मुझे यहाँ तो। और ऐसा नहीं है, इस साल हर साल करवा चौथ यहाँ पे लोग ऐसे ही मनाते हैं, बिल्कुल पटाखे वटाखे छोड़ के, और बिल्कुल दिवाली जैसे है। और पता है ऐसे भी तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल दिवाली जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, और डांस भी कर रही थी सभी लोग। तो मैं ना कैमरा को जूम करके थोड़ा सा इधर रिकॉर्ड की थी इधर साइड, और ऐसे भी यहाँ पे डांस कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और तो यहाँ पे देखो मैं आ गई थी चांद पूजा करने के लिए, सॉरी बस चांद पूजा तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको दीपक तो जलाना था ना, तो धूप अगरबत्ती में नहीं जलाई थी। देखो मैं पूजा की थी इस बार है ना, तो जब आपके घर पूजा नहीं करना होना तो आप कैसे कर सकते हो वो मैं दिखाती हूँ। आप बस क्या करना, भगवान जी को दीप दिखाना ठीक है, और उसके बाद जहाँ भी मतलब किसी एक कोने में जल और प्रसाद जरूर से उन्हें चढ़ाना, मतलब गिरा देना उनके नाम से ठीक ना। तो यही मैं की थी। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले थोड़ा सा दीपक दिखा दी भगवान जी को, उसके बाद थोड़ा सा जल में यहाँ पे गिरा रही हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे जो मिठाई था मिठाई और डाल दे रही हूँ, क्योंकि बिना भगवान जी को खिलाए हम कैसे व्रत तोड़ सकते थे ना। तो पूजा तो नहीं की थी, बस ऐसे की थी दीपक दिखा के, और नीचे प्रसाद जल और फूल चढ़ा के, और ये क्या होता है वो चावल अच्छा छीट के, और उसके बाद में पति पूजा की थी है ना। बस इसी तरीके का हमारा करवा चौथ रहा था इस बार। और मैं थाली को यहाँ पे रखी थी देखो दीवार के ऊपर, थोड़ा सा जल गिरा के, मतलब जल गिरा के उसके ऊपर थाली रख दी थी, क्योंकि ना हाथ में कितना देर पकड़े रहते हैं ना। अब मैं करूँगी चांद भगवान जी का दीदार, मतलब छलनी से चांद भगवान को देखूँगी, उसके बाद करूँगी पति पूजा। तो अगर आपके घर कोई भी पूजा है ऐसा छोटा मोटा, या फिर बड़ा भी पूजा नहीं भी हो रहा है ना, चाहे बजाय कोई भी हो है ना, शूतक पातक क्या बोलते हैं वो सब कुछ भी हो है ना, लेकिन आप पति पूजा तो करेंगे ही करेंगे है ना। तो हमें बस क्या करना होता है, भगवान जी के नाम से प्रसाद जल और नीचे रख देना होता है फूल वगैरह, और बस धूप दीप ये सब नहीं करना होता है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, चांद भगवान जी को छन्नी से देखकर, उसके बाद पति जी को देखना है, और उसके बाद मैं करूँगी पति पूजा। तो अभी मैं पति पूजा कैसे करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चांद भगवान को छलनी से देखने के बाद पति जी को देखा, अब हमें करना है पति पूजा। आप लोग कैसे करते हो आप हमें कमेंट में जरूर से बताना, और मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है ये भी आप हमें कमेंट में जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करूँ ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखो टीका कर रही हूँ इनको, टीका करने के बाद क्या क्या करूँगी ये आप कंटिन्यू बनी रहो। मैं तो दूसरे ऐप से वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो यहाँ पर म्यूजिक भी नहीं डाल सकती। तो भाई यहाँ पर टीका लगाने के बाद अच्छा डाली, और उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे भाई लोग कैसे सूट कर रहे हैं, बड़ा हंसी आ रहा था। और यहाँ पे मैं उनको मिठाई खिलाई, क्योंकि हम लोग ना पहले पति जी को ही खिलाते हैं, व्रत हमारा होता है, लेकिन पहले मैं पति जी को ही खिलाती हूँ मिठाई देकर, और उसके बाद जल दे रही थी तो मतलब तो पानी भी पिला रही थी, तो ये हो रहे थे मैं थोड़ी ना व्रत किया हूँ जो मुझे ये करवा रही है ना। तो हम लोग ऐसे करते हैं ना पति पूजा में, पहले भगवान मतलब भगवान नहीं पति जी की आरती करते हैं, क्या क्या करते हैं, तिलक करते हैं, अक्षत करते हैं, आरती करते हैं, फूल वगैरह जो छिटना होता है वो करते हैं, अच्छा छिटते हैं, और उसके बाद मिठाई खिलाते हैं, जल पिलाते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं आपको हमें कमेंट में बताना। उसके बाद छलनी से हमने इनको देख लिया है, और यहाँ पर मैं उन्हें थाली पकड़ा रही थी है ना, क्योंकि मुझे बन नहीं पा रहा था ऐसे। तो अभी मैं देखूंगी, और पहले तो मैं पूजा कर ली थी और सारी पूजा ख़त्म हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे ये मेरा व्रत तुड़वा रहे थे ये देखो इस तरह से। तो मैं ना ग्लास नहीं रखती, मैं इसी से जो मिट्टी का करवा होता है वो करवा भी मैं इस साल न्यू नहीं ली थी, जो पिछले साल वाला था चलने भी, क्योंकि इस बार पूजा वगैरह करना नहीं था, सूतक पातक पातक हमारे घर क्या पातक चल रहा था है ना। तो हमें क्या करना था, जो हमारा पिछले साल वाला करवा और चलने वगैरह था, मैं उसी से इस बार काम चला ली थी, और उसे अच्छे से डेकोरेट कर ली थी है ना। डेकोरेट करने के बाद ये बिल्कुल न्यू जैसा हो गया था, और यहाँ पे मैंने इसी तरह से पूजा की। जब मैंने अच्छे से चांद पूजा और पति पूजा कर ली थी ना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रील्स बनाई थी, उसके लिए मैंने डबल वार इनको छलने से देखा है ना। तो वो मैं रील्स बनाने के लिए है ना।
सब कुछ डबल डबल बार की थी, क्योंकि जब मैं चांद पूजा की थी उस टाइम तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली थी। पहले मैं कर ली थी है ना, उस टाइम कोई शूटिंग वूटिंग नहीं, बस एक माही रिकॉर्ड कर रही थी वही था, और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए की थी। तो यहाँ पे देखो भाई, करवा चौथ के दिन उन्होंने मुझे पिक दिया है ना, मतलब बहुत धुलाई कर दिया है उन्होंने मेरी। और अब मैं रील्स बनवा रही थी है ना, तो रील्स बनाने के लिए मुझे डबल बार सब कुछ करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन पता है करवा चौथ में चाहे कुछ भी कहो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे तो भाई करवा चौथ व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इसलिए ना क्योंकि इसमें देखो दिन भर फास्ट करना होता है, शाम में खा लेना होता है। लेकिन खाने में ना मैं प्याज और लहसुन नहीं डालती हूँ, कौन से लोग डालते हैं वो हमें कमेंट में बता देना। वैसे तो हर जगह के रूल अलग अलग है, लेकिन मैं प्याज और लहसुन नहीं डालती सब्जी में। खीर पूड़ी या फिर सेवई पूड़ी आप बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, और बहुत सारे लोग पुलाव भी बनाते हैं। मैं खुद बनाई थी पिछली बार, लेकिन इस बार नहीं बनाई थी है ना। तो आप लोग बताना, आप लोग व्रत वाले दिन क्या क्या बनाते हो। पता है दिन भर अगर आप फास्ट करते हो ना, शाम में संगीत के साथ मस्ती हो जाती है, तो आपको दिन भर का थकान गायब सा लगता है ना। तो मुझे करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये हस्बैंड जी के साथ भी थोड़ा मस्ती करने को मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो ये डेली इतना मस्ती करते नहीं ना, लेकिन करवा चौथ के दिन ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती करते हैं ना। और ये लोग अपनी बीवियों को डांट भी नहीं पाते हैं, और बीवी लोग को इनकी पूजा भी करनी पड़ती है। ये देखो ये कैसे करते हैं, मतलब करवा चौथ के दिन जब मैं इनका पाव छू रही थी, बार बार मारने का वो कर रहे थे। इन्हें पता था ना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये ऐसे कर रहे थे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी, और बस इसी तरह से हमारा करवा चौथ मना था। और इस दिन जो हमारा लाइव वगैरह था वो भी नहीं हो पाया था, कुछ भी नहीं हो पाया था, बहुत ही बस मैं बिजी रह गई थी है ना। भाई लोग आया हुआ है ना, तो बस उनके साथ मतलब बातचीत करने में या फिर कैरम खेलने में और टाइम में स्पेंड कर देती हूँ मैं। और मेरा भाई लोग कल जाने वाला है, तो देखते हैं आगे भी मैं ब्लॉग लाती रहूँगी। अभी कार्तिक के जो बर्थडे वाला ब्लॉग है वो भी मैं नहीं ला पाई हूँ ना अभी तक, तो मैं वो भी लाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं सोची चलो करवा चौथ वाला डाल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता। और अगर मैं गले के चक्कर में रहती ना कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है, वॉइस कैसे आ रही है, और तब तो हुआ ये मेरा ब्लॉग आता ही नहीं। लेकिन मैं सोची चलो वॉइस कैसा भी है मैं ब्लॉग डाल ही दूँगी, तो मैंने ठाना और फाइनली मैं ब्लॉग डाल पाई। तो आप लोगों को हमारी ये करवा चौथ वाले ब्लॉग कैसे लगे आप हमें कमेंट में जरूर से बताना। और मैं बड़ा ही मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत का फल देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है ना। और अगर ब्लॉग पे हमारी व्यूज आएगी तभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी, वरना नहीं लाऊंगी है ना, क्योंकि मेरा मन नहीं करता मेरा मन नहीं करता सच में, व्यूज नहीं आता तो मेरा ब्लॉग लाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। तो अभी हम लोग छत पे से नीचे आ चुके हैं, और अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने, मतलब मैं व्रत तोड़ने जाऊंगी, और भाई लोग को भी खाने खिलाना है। और हमें गिफ्ट क्या मिला ये देखो, बस यही मिला है। तो इन्होंने बस 10 का एक गड्डी दिया था, और कुछ भी नहीं दिया इस साल, गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे। लेकिन चलो कोई नहीं, हर साल कौन देता है। तो यहाँ पे देखो मस्ती कर रहे थे ये मेरे साथ, ये की करेंगे प्रगति दीजिए। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे सो गए थे, उसके बाद हम लोग कैरम बोर्ड खेले थे। और कैरम खेलने के लिए तो करवा चौथ के दिन दोनों बच्चे ना दिन में सोए नहीं थे, और रात में जल्दी ही सो गए थे। जैसे खाना खाया ना उसके बाद उन दोनों को नींद आने लगी, फिर वो दोनों सोने चले गए। और अभी भाई लोग आया हुआ है ना, तो जब से आया है और किट्टू के बर्थडे में ये कैरम गिफ्ट मिला था, तब से हम लोग डेली नाइट में कैरम खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।